में जो विश्व कप हो रहा है वो सेमीफाइनल का मुकाबला है और मैनचेस्टर में होना है, तो हम लोगों की यह 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ से यह उनको एक आशीष देने का और बाबा काल भैरव दरबार के दरबार से उनको दंडम लगाकर यह उनको दृष्टि दोष बाधा से मुक्त करने का ही हम लोगों यहाँ पर प्रार्थना की है, मंगल कामना की है कि हमारे जो भारतीय टीम है उसके ऊपर किसी प्रकार की बुरी दृष्टि न पड़े और वे जिस प्रकार से उनका सफलता का जो जो दौड़ा अस्त चल रहा है वो अनवरत चलता रहे। और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और लोगों के मन में एक भ्रम है कि हम लोग सेमीफाइनल में पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। सारे मिथक को तोड़ने के लिए, अनहोनी को होनी बदलने के लिए धोनी और हमारा जो हिट मैनर रोहित शर्मा वह सभी को शर्मिंदा कर देगा, यह पूर्ण विश्वास है। और कोहली एक ऐसी जो धूल उड़ाएगा कि सभी को धूल चखाएगा, तो निश्चित रूप से आज इसी विचार से लोगों ने यहाँ पर पूजन किया है। यह मैच जो है भारत का जो सेमीफाइनल मैच है ये न्यूजीलैंड से पड़ा है और जो कि 9 तारीख को है। हम लोग काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का यहाँ पर पूजा करके यहाँ पर लोग आते हैं अपना नज़र झरवाने के लिए। तो जो टीम इंडिया पर अगर किसी की नज़र लगी हो तो नज़र को हटाने के लिए हम लोगों ने बाबा काल भैरव का पूजन किया और यह मनाया बाबा काल भैरव से कि वो इंडिया को सेमीफाइनल में विजय बनाए तथा वर्ल्ड कप भारत आए।